पे आज एक्सप्लेन कर रहा है एक पॉलिश मूवी। इस मूवी में मदर और डॉटर दोनों एक ही लड़के से अट्रैक्टेड होती हैं। ये फिल्म पोलैंड फिल्म फेस्टिवल की 2017 की अवार्ड विनिंग मूवी है, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में मॉम ईवा और डॉटर जुल्का एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही हैं। आज जुल्का का 18th बर्थडे है, इसलिए वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए दोनों यहाँ पे आई हुई हैं। जुल्का ने भी अपने कुछ खास फ्रेंड्स को बुलाया है। तभी जुल्का स्टोर के बाहर देखती है तो वो देख के खुश हो जाती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एड्रियन बाहर खड़ा होता है। एड्रियन जुल्का को बाहर बुलाता है। एड्रियन को जब जुल्का की मॉम देखती है तो उसके चेहरे की खुशी अचानक से गायब हो जाती है। जुल्का की मॉम जुल्का को पूछती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वो कहती है कि तुमने कहा था कि तुमने इस लड़के से मिलना बंद कर दिया है, लेकिन जुल्का अपनी मॉम की बात को इग्नोर करते हुए बाहर चली जाती है। जुल्का की मॉम देखती है कि जुल्का अपने बॉयफ्रेंड से मिलके काफी खुश है। एड्रियन जुल्का का काफी टाइम से बॉयफ्रेंड था। जुल्का एड्रियन से काफी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन जुल्का की मॉम ईवा को इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शॉपिंग करके जुल्का की मॉम बाहर आती है। जुल्का कहती है कि मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारे लोग आएंगे और हम सब मिलके खूब सेलिब्रेट करेंगे। तभी एड्रियन कहता है कि मैं कीज अपने साथ ले आया हूँ, अब मेरे फादर घर में कैसे एंटर करेंगे। तो जुल्का थोड़ी डिसअपॉइंट होती है और वो कहती है कि अब क्या। तो एड्रियन कहता है कि देखते हैं। जुल्का को किस करते हुए देख के जुल्का की मॉम कहती है कि इधर आओ और ये सामान सही से रख दो। क्लियरली यहाँ पे लगता है कि एड्रियन को जुल्का की मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जुल्का की मॉम खुद भी एड्रियन की तरफ काफी अट्रैक्टेड थी। और एड्रियन तो खैर जुल्का की मॉम को अजीब नजरों से देखा ही करता था। इन दोनों के बीच में अनकहीं रोमांटिक टेंशन साफ दिखाई पड़ती थी। जुल्का की मॉम कार ड्राइव करके लेक हाउस पर जुल्का का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ जाती हैं और डिक्की से सामान निकाल के जुल्का को देती हैं और उसको कहती हैं कि ऊपर जाके सारी विंडोज खोल देना। जाते समय जुल्का एड्रियन को कहती हैं कि आ जाओ, तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखा देती हूँ। लेकिन एड्रियन कहता है कि तुम चलो, मैं भी कुछ सामान लेके आता हूँ। लेकिन जुल्का की मॉम एड्रियन से बिना बात के ही सामान लेके घर की तरफ जाने लगती हैं। एड्रियन खुद डिक्की से कुछ सामान उठाता है और जुल्का की मॉम के पीछे पीछे जाता है। तो जुल्का की मॉम कहती है कि तुम्हारी बस 1 घंटे में निकलने वाली है, तुम यहाँ से चले जाना। एड्रियन को पता था कि जुल्का की मॉम का बिहेवियर उसके लिए कुछ ज्यादा सही नहीं रहता है, इसलिए वो विदाउट एनी रिएक्शन घर के अंदर चला जाता है। एड्रियन घर के अंदर आता है और जुल्का की मॉम से बात करना चाहता है, लेकिन वो जुल्का की मॉम से काफी डरता है, क्योंकि उसको पता है कि वो कुछ भी कहेगा उसकी मॉम का आंसर नो ही होने वाला है। तो भी वो हिम्मत करके कहता है कि जुल्का ने मुझे इन्वाइट किया था, अब अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो जुल्का को अच्छा नहीं लगेगा और उसका बर्थडे स्पॉइल हो जाएगा। क्या आप ऐसा चाहती हैं क्या मैम कि उसका बर्थडे स्पॉइल हो जाए? लेकिन जुल्का की मॉम बिना कुछ जवाब दिए ही सामान उठा के वहाँ से स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। जुल्का की मॉम का कोई जवाब नहीं पाकर एड्रियन फिलहाल के लिए यहीं पे रुक जाता है। तो थोड़ी देर बाद में जुल्का उसकी मॉम को कहती है कि हम लेक में स्विम करने के लिए जा रहे हैं। तो जुल्का की मॉम एड्रियन की तरफ देखते हुए जुल्का को कहती है कि हमें अभी केक बनाना चाहिए, लेकिन जुल्का कहती है कि अभी तो 12 ही तो बजे हैं, हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा है। और वो स्विम करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती हैं। इस जवाब को सुन के जुल्का की मॉम थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती हैं। जुल्का की मॉम अभी घर की सफाई में लग जाती हैं, लेकिन उसका ध्यान अभी भी एड्रियन में ही अटका हुआ होता है। वो काम में बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही है। पता नहीं क्या ऐसी चीज है जो बार बार उसको एड्रियन की तरफ खींचे जा रही है। जुल्का की मॉम जब खुद को नहीं रोक पाई तो वो घर से बाहर आके देखने लग जाती है कि उसकी बेटी जुल्का और एड्रियन क्या कर रहे हैं। वो देखती है कि दूर लेक में एड्रियन और उसकी बेटी जुल्का दोनों मिलके काफी एंजॉय कर रहे हैं। अब जुल्का की मॉम जुल्का के बर्थडे के डेकोरेशन में लग जाती है और अपने लेक हाउस को लैटन से सजाती है। जुल्का की मॉम घर को बर्थडे पार्टी के लिए तैयार करती है, लेकिन उसके चेहरे पे अब वो खुशी नहीं है जो सुबह एड्रियन के
आने के पहले थी, जो खुशी उसके चेहरे पे शॉपिंग मॉल में थी, अब वो खुशी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। जब जुल्का की मॉम घर की क्लीनिंग कर रही होती है तो पीछे एड्रियन आ जाता है, डरता डरता घर के अंदर आता है और बिल्कुल जुल्का की मॉम के पीछे खड़ा हो जाता है। जुल्का की मॉम को रियलाइज हो जाता है तो वो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जुल्का की मॉम डर के मारे एड्रियन की तरफ देखती है। कुछ देर बाद में एड्रियन कहता है कि जुल्का ने मुझे भेजा है, उसको सनस्क्रीन चाहिए, मुझे मिल नहीं रही है। तो जुल्का की मॉम वहीं पर खड़े खड़े बोलती है कि अगर सनस्क्रीन चाहिए तो ढूंढना शुरू कर दो। एड्रियन जुल्का की मॉम की तरफ देखते हुए उसके पास आने की कोशिश करता है। जुल्का की मॉम भी यहाँ से हिल नहीं रही थी। एड्रियन बिल्कुल करीब आके बोलता है कि प्लीज मैम मुझे रहने दीजिए, प्लीज मुझे जुल्का के बर्थडे में शामिल होने दीजिए। जुल्का की मॉम थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि सनस्क्रीन तो बाथरूम में रखी है, मैं लेकर आती हूँ, और वो एड्रियन से दूर हट जाती है। बाथरूम में जाते हुए जुल्का की मॉम एड्रियन को कहती है कि अगली बस 1 घंटे के अंदर आने वाली है, तुम अपने घर चले जाना। फिर जुल्का की मॉम बाथरूम में चली जाती है और गहरी सांस लेती है। उसको नहीं पता कि वो क्या कर रही है। वो थोड़ा पानी पीती है और सोचती है कि वो एड्रियन से इतना अट्रैक्टेड फील क्यों करती है। उसको ये बात समझ में नहीं आती। वो सनस्क्रीन लेती है और एड्रियन को दे देती है। एड्रियन अब लेक में स्विम कर रहा था तो पीछे से जुल्का की मॉम उसको देखती है और थोड़ी देर बाद में घर के अंदर चली जाती है। शाम का समय हो चुका होता है। एड्रियन और जुल्का दोनों स्विम करके वापस घर पर आ जाते हैं तो जुल्का मॉम के डेकोरेशन को देखती है और वो कहती है कि मॉम ने ये लैटर्न्स क्यों लगा दिए। एड्रियन भी जुल्का के पीछे जा ही रहा होता है तो उसको जुल्का की मॉम रोक देती है और वो कहती है कि तुम्हारे डैड का कॉल आया था, तुम्हें घर पे बुलाया है, तुम घर की कीज अपने साथ ले आए हो, इसलिए कीज देने के लिए तुम्हें वापस बुलाया है। तो जुल्का उसकी मॉम को पूछती है कि एड्रियन के डैड ने एड्रियन को कॉल क्यों नहीं किया, तुम्हें क्यों कॉल कर दिया। तो जुल्का की मॉम कहती है कि तुम दोनों स्विम कर रहे थे और लेक के पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं आता है, इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल किया है, अब एड्रियन को वापस जाना पड़ेगा। एड्रियन अपना फोन देखता है और उसको पता है कि यहाँ नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो जुल्का की मॉम के पास जाके कहता है कि मुझे पता है कि मेरे फादर ने आपको कॉल नहीं किया है, आप मुझे एक चांस क्यों नहीं देती हैं। तो जुल्का की मॉम एड्रियन को कहती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि तुम मेरी डॉटर के साथ क्या कर रहे हो। तो एड्रियन कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैम मैं आपकी डॉटर से प्यार करता हूँ, आई एम इन लव। ये बात सुन के जुल्का की मॉम बहुत हंसती है, जैसे कि एड्रियन बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है। वो कहती है कि तुम कितने बेशर्म लड़के हो, तुम्हें पता है ना। क्योंकि जुल्का की मॉम को पता था कि वो जुल्का का बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ वो उसके साथ भी काफी फ्लर्ट करता है। तभी जुल्का आती है और कहती है कि कीज मिल गई है, ले जाओ। तो एड्रियन कहता है कि आता हूँ 1 मिनट, और जाते समय वो जुल्का की मॉम को कहता है कि ये मेरे बस में नहीं है, मैं जुल्का से सच में प्यार करता हूँ। जुल्का की मॉम और एड्रियन के बीच में एक अनकही रोमांटिक टेंशन अब ज्यादा बढ़ रही थी। ये दोनों एक दूसरे के करीब तो आना चाहते थे, लेकिन जुल्का की मॉम का मॉरल इनहिबिशन इन दोनों को करीब आने से रोक रहा था। अब एड्रियन कीज लेके अपने घर की तरफ जाने वाला होता है तो किचन की विंडो से जुल्का की मॉम देखती है कि जुल्का और एड्रियन दोनों बातें कर रहे हैं और जुल्का एड्रियन को पूछ रही है कि वापस आओगे ना। तो एड्रियन कहता है कि श्योर, मैं जरूर आऊंगा, और वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा रोमांस करते हैं और फिर वहां से एड्रियन चला जाता है। एड्रियन के जाने से जुल्का की मॉम जैसे थोड़ी रिलैक्स हो गई और उसने गहरी सांस ली। जुल्का अंदर आके अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आप एड्रियन से इतनी नफरत क्यों करती हो। तो एड्रियन की मॉम पूछती है कि क्या। तो जुल्का अपना क्वेश्चन रिपीट करती है कि आप एड्रियन से इतनी नफरत क्यों करती हो। जुल्का की मॉम को समझ नहीं आया कि इस बात पे वो कैसे रिएक्ट करे। तो जुल्का कहती है कि एड्रियन आपके बारे में दिन में बार बार पूछ रहा था कि अपनी मॉम के बारे में कुछ बताओ। तो उसकी मॉम कहती है कि फिर तुमने क्या बताया मेरे बारे में। तो जुल्का कहती है कि मैंने उसको बताया कि मेरी मॉम कुछ दिनों पहले नेकेड स्विमिंग के लिए गई थी, जिसकी वजह से हमारे नेबर्स ने कंप्लेन कर दी थी और हमारे गांव के एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी मॉम को इस बात के लिए वार्न किया था कि वो आगे से लेक में नेकेड स्विमिंग करने के लिए नहीं जाए। तो इस बात पे जुल्का की मॉम काफी सरप्राइज हो जाती है कि ऐसी प्राइवेट बात उसने उसके बॉयफ्रेंड एड्रियन को बता दी है। जुल्का
बात को काटते हुए कहती है कि मिल्क नहीं है क्या, मुझे केक बनाना है। तो उसकी मॉम काम को वहीं पे छोड़ते हुए वो कहती है कि मिल्क तो हम खरीद के लाए थे। तो जुल्का कहती है कि यहाँ पर तो नहीं है। तो जुल्का की मॉम मिल्क को ढूंढने के लिए स्टोर रूम की तरफ जाती है। वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे मिल्क की बोतल्स पड़ी हुई है जिसको केक और क्रीम प्रिपेयर करने के लिए वो शॉपिंग मॉल से खरीद के लाए थे। लेकिन जुल्का की मॉम जुल्का को कहती है कि मिल्क तो है नहीं, मुझे वापस जाकर लाना पड़ेगा। और वो शॉवर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। जुल्का बिना किसी शक के क्रीम प्रिपेयर करने में लग जाती है। अब जुल्का की मॉम मिल्क लाने के बहाने से लेक हाउस से दूर सिटी की तरफ जाती है। एड्रियन अब तक थोड़ी ही दूर पहुंचा था क्योंकि वो पैदल चल रहा था। जुल्का की मॉम कार लेके उसके पीछे जाती है और उसको अंदर बैठने के लिए कहती है। एड्रियन चुपचाप कार में बैठ जाता है और जुल्का की मॉम कार चलाती रहती है। ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। काफी देर तक जुल्का की मॉम कार चलाती रहती है और इन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड टाइप का साइलेंस रहता है। थोड़ी देर बाद में जुल्का की मॉम एक सुनसान सी जगह देख के अपनी कार को रोक देती है। लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। जुल्का की मॉम उदास मन से एड्रियन की तरफ देखती है तो एड्रियन अपने दोनों हाथों से जुल्का के मॉम के चेहरे को सहलाता है। जुल्का की मॉम एड्रियन के फिजिकल अट्रैक्शन से अब हार चुकी थी और अपने आप को उसने एड्रियन के हवाले कर दिया। और अब ये दोनों मिलके कार में इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद में एड्रियन टॉयलेट करने के लिए कार से बाहर चला जाता है तो जुल्का की मॉम देखती है कि उसके फोन पर जुल्का का कॉल आ रहा है। लेकिन वो जुल्का का कॉल काट देती है। एड्रियन जुल्का की मॉम के पास आता है और उसके चेहरे पे अजीब सी खुशी होती है। लेकिन जुल्का की मॉम इतनी खुश नहीं होती है क्योंकि वो अपनी डिजायर के आगे मजबूर होके एड्रियन के साथ इंटीमेट हुई थी। बल्कि वो दिमाग से नहीं चाहती थी कि वो एड्रियन के क्लोज भी रहे, इसलिए वो हमेशा उससे दूर रहने की कोशिश करती और उसको जब भी वो घर पे आता उसको घर से बाहर निकाल देती। लेकिन बॉडी की अनमिटिगेटेड केमिकल डिजायर हमेशा ह्यूमन इंटेलिजेंस पे भारी पड़ती है और यही बात जुल्का की मॉम के साथ भी हुई। जुल्का की मॉम एड्रियन से सिगरेट मांगती है, वो सिगरेट जला के जुल्का की मॉम को दे देता है और फिर से जुल्का की मॉम के क्लोज आने की कोशिश करता है। लेकिन जुल्का की मॉम अब उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी और वो कहती है कि चले जाओ यहाँ से, प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। एड्रियन कुछ देर सोचने के बाद में कार से नीचे उतर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जुल्का की मॉम अपनी सिगरेट खत्म करती है, गहरी सांस लेती है और फिर घर की तरफ निकल जाती। एड्रियन अब चला गया है तो जुल्का की मॉम सोचती है कि अब वो जाके अपनी डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। जुल्का की मॉम जब लेक हाउस पे पहुंचती है तो वो देखती है कि घर का सारा डेकोरेशन बिखरा पड़ा है। जो लैटर्न उसने लगाए थे अब वो नीचे उतरे हुए हैं और कुछ तो टूटे हुए भी हैं। ये देख के जुल्का की मॉम को बड़ा अजीब लगता है। वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि जुल्का बेशुद्ध किचन के फ्लोर पर सोई हुई है। जुल्का अपनी मॉम से पूछती है कि आपने मेरे कॉल को आंसर क्यों नहीं किया। तो जुल्का की मॉम उससे झूठ बोलती है कि मेरा फोन म्यूट मोड पे था। जुल्का की मॉम पूछती है कि तुमने केक कैसे बना दिया। तो जुल्का कहती है कि मुझे मिल्क मिल गया था, वो स्टोर रूम में रखा हुआ था। ये सुन के जुल्का की मॉम थोड़ी घबरा जाती है और वो जुल्का को पूछती है कि तुमने डेकोरेशन क्यों हटा दिया, आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना। तो जुल्का कहती है कि कोई पार्टी नहीं होगी यहाँ पर। जुल्का की मॉम को अंदर ही अंदर काफी डर लग रहा था। जुल्का कहती है कि एड्रियन ने मुझे मैसेज किया है कि वो नहीं आएगा और अब वो जिंदगी में कभी भी उससे नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से जुल्का को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ और वो काफी रोई और अभी भी काफी रो रही है। जुल्का की मॉम नीचे बैठती है, जुल्का को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो जुल्का कहती है कि मॉम आप हमेशा से सही थी, आप सही कहती थी कि एड्रियन अच्छा लड़का नहीं है। देखो आज बर्थडे के दिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, उसने मेरा बर्थडे पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया। मॉम आप उसके बारे में बिल्कुल सही थी। और जुल्का यहाँ पे काफी रोती है। जुल्का की मॉम जुल्का को गले लगा देती है। लेकिन जुल्का को नहीं पता कि उसकी मॉम ने ही एड्रियन को बार बार
यहाँ से जाने के लिए कहा और अब वो खुद एड्रियन के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होके आई है, जिसकी वजह से शायद एड्रियन ने उसको मैसेज कर दिया कि अब वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और जुल्का की मॉम, जो अपनी डॉटर के 18th बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, आज उसी ने अपनी बेटी के बर्थडे के साथ साथ उसकी लव लाइफ को भी बर्बाद कर दिया है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।